इनके जो गॉड फादर है केसीआर साहब, वो लोग बोले कि सिर्फ 50 सीटों पे लड़ो, वो 50 सीटों पे हमारे को खतरा है, वो 50 सीटों से आप वोट काटो ही लोग के। तो यही जो सिलसिला है, और इन लोग की आदत है कि माइनॉरिटी के जज्बात के साथ खेलना। आज भी आप जाके चाहे वो करीमनगर की माइनॉरिटी के लिए हो जाओ या फिर हैदराबाद की माइनॉरिटी के लिए हो जाओ, आज भी आप जाके देखिए कि माइनॉरिटी में किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं है, ना रोड्स का, ना नल का, ना ड्रेनेज सिस्टम सही है। भाई लोग जाने के लिए माइनॉरिटी की जितनी गली आज से 40 साल पहले थी, आज भी वो गली का साइज उतना नहीं है, आज भी वो कभी मास्टर प्लान नहीं आया और ना आएगा। जैसा कि बीजेपी आई बात से 2015 से हमारे मोदी जी इतनी योजनाएं लाए, चाहे वो आयुष्मान पत्री योजना हो, पीएम आवास योजना हो। जब पीएम आवास योजना 2015 अक्टूबर में अनाउंस हुई थी तो हमारे केसीआर साहब अपने एम्बेसिडर स्टार्ट करके पहुँचे, कहाँ पे दिल्ली पहुँच के एक प्रपोजल दिए कि भाई हम 5,72,000 दो बेडरूम के घर की हमारे को जरूरत है, कहाँ पे तेलंगाना में, जिसके लिए ये लोग का बजट रिक्वायरमेंट था 22,000 करोड़ रुपया, जिसके लिए 30,000 करोड़ उनको सैंक्शन किया गया। उस टाइम पे इनके एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे जो कि स्पेशल हाउसिंग सोसाइटी के उनको चेयरमैन बनाया गया था, जिनका नाम था चित्रा रामाचंद्रन साहब। जो बोले थे कि भाई 2019 जून तक हम 2,72,000 घर डिलीवर कर देंगे, और 5,72,000 जो इन लोग प्रपोजल करे थे उसमें से 2 लाख टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें से 2 लाख घर ये लोग को जो है 2 बेडरूम के फ्लैट्स हैदराबाद जीएचएमसी में देना था, बाकी के जो है पूरे अर्बन डिस्ट्रिक्ट में देना था।